नमस्कार, आज मैं थर्ड ईयर मैकेनिकल के स्टूडेंट्स के लिए मैकेनिकल एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट का टॉपिक टाइप्स ऑफ फोर्जिंग लेकर आया हूं, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। फोर्जिंग अर्थात ढलाई या लोहारी, जिसको हिंदी में कहते हैं, यह फोर्जिंग शॉप में होती है। फोर्जिंग होती क्या है, ये पहले समझना ज़रूरी है। यह वह प्रोसेस है, वह प्रक्रिया है जिसमें कि धातु को बहुत ऊंचे तापमान तक गर्म किया जाता है और उसको गर्म करके उसकी प्लास्टिक अवस्था में लाया जाता है। इस प्लास्टिक अवस्था के दौरान उस पर पर्याप्त बल लगाकर, जिसे हम हाथ से या मशीनों से लगा सकते हैं, उस पर पर्याप्त बल लगाकर उसे प्लास्टिक अवस्था में ही अपनी वांछित आकृति में उसको ढाल लेते हैं। जिसमें यह कार्य किया जाता है फोर्जिंग का, उस शॉप को हम फोर्जिंग शॉप कहते हैं, या ढलाई शाला या लोहारी शाला कहते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्जिंग, फोर्जिंग के प्रकार, यह दो प्रकार की होती है, हैंड फोर्जिंग और मशीन फोर्जिंग। हैंड फोर्जिंग यानी हस्त फोर्जिंग, हाथ द्वारा किया जाने वाला। जब फोर्जिंग को हाथों द्वारा किया जाता है तो यह प्रक्रिया हैंड फोर्जिंग या हस्त ढलाई कहलाती है। भारी जॉब्स के दौरान, जब भारी कार्यखंड हो, तो जो लोहार होता है उसकी सहायता के लिए एक हैमर मैन, हथौड़ा मारने वाला आदमी भी होता है, अर्थात दो व्यक्ति मिलकर उसको जॉब को बनाते हैं। जो हस्त फोर्जिंग है उसमें जो मुख्य क्रियाएं जो की जाती हैं, वह ड्राइंग डाउन, अपसेटिंग, बेंडिंग, पंचिंग, सेइंग और शेयरिंग आदि हैं, जिनको कि हैंड फोर्जिंग द्वारा संपन्न किया जाता है। दूसरा प्रकार जो टाइप ऑफ फोर्जिंग का है, मशीन फोर्जिंग, यानी मशीन द्वारा फोर्जिंग किया जाता है। वह प्रक्रिया जो कि मशीनों द्वारा फोर्जिंग की जाती है, मशीन फोर्जिंग कहलाती है। मशीन फोर्जिंग भारी और क्लिष्ट जॉब को बनाने के लिए आवश्यक होती है, जहाँ की अत्यधिक दबाव या बल की आवश्यकता होती है, वहाँ पे हम मशीनों को यूज करते हैं। मशीन फोर्जिंग को हम आगे अगर उसको क्लासिफाई करना चाहें, वर्गीकृत करना चाहें, तो निम्न प्रकार से होता है। जो उसका पहला वर्गीकरण है वह है स्मिथ फोर्जिंग। स्मिथ फोर्जिंग के दौरान वस्तु को आवश्यक शेप देने के लिए उसको गर्म किया जाता है और जो बल या ताकत है वह स्टीम हैमर या पावर हैमर के द्वारा और हैंड टूल्स के द्वारा लगाई जाती है। इस प्रक्रिया में जो स्मिथ अर्थात जो लोहार है, उसकी दक्षता और अनुभव पर उसकी शुद्धता का डिपेंड करती है, उसकी शुद्धता डिपेंड करती है, अर्थात वह कितना सही बनेगा जॉब, या सब कुछ उस स्मिथ की दक्षता और उसके अनुभव पर निर्भर करता है। यह मेथड जो है स्मिथ फोर्जिंग का, वह बड़े और साधारण टाइप के प्रोडक्ट या जॉब को बनाने के काम में आता है। दूसरा है प्रकार जो ड्रॉप फोर्जिंग। इस प्रकार के जो हैमरिंग प्रक्रम में पदार्थ को प्लास्टिक अवस्था के दौरान डाई, अंकन डाई, इंप्रेशन डाइज में डाला जाता है। डाई के दो भाग होते हैं, जिसमें एक डाई पर दूसरी डाई को गिरने की स्वीकृति होती है, अर्थात एक डाई पर दूसरी डाई को गिराया जाता है, जिससे आवश्यक बल या दबाव प्राप्त होता है। इस प्रकार जो गर्म धातु होता है, जो कि प्लास्टिक अवस्था में होता है,
वह उन दोनों डाइयों के बीच में दबता है, स्क्वीज्ड होता है, और जो हमें ढलाई प्रोडक्ट चाहिए, जो जॉब चाहिए हमें, वह आवश्यक वांछित आकृति में हमें प्राप्त हो जाता है। अर्थात प्लास्टिक अवस्था में दोनों डाइयों के मध्य जब इसको दबाया जाता है तो हमें वांछित आकृति प्राप्त हो जाती है। इसमें जो एक डाई के ऊपर जो दूसरी डाई को गिराया जाता है उसके स्थान पर हम स्टीम या पावर हैमर को भी यूज कर सकते हैं। अगर हम स्टीम या पावर हैमर को काम में लें तो वह प्रोसेस जो होता है कम समय लेता है। ये ड्रॉ फॉर्जिंग को हम साधारणतः जब बहुत संख्या में एक समान आकृति के हमें जब जॉब बनाने हों और अच्छी क्वालिटी के बनाने हों तब हम काम में लेते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण प्रकार प्रेस फॉर्जिंग। इस टाइप में बहुत बड़े आकार की जो फॉर्जिंग्स हैं यानी ढलाई हैं उनको वांछित आकृति दी जाती है प्रेसेस द्वारा या प्रेस के द्वारा। अर्थात जो प्रेस होती हैं वह बड़े बड़े फॉर्जिंग बनाने के लिए काम में आती हैं। ये जो प्रेस होती हैं या तो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड अर्थात द्रव चालित या मैकेनिकली ऑपरेटेड यांत्रिक चालित होती हैं, या अर्थात ये प्रेस दो प्रकार की इसमें काम में ले सकते हैं, या तो हाइड्रोलिकली ऑपरेटेड या मैकेनिकली ऑपरेटेड। जो प्रेस फॉर्जिंग मेथड है उसमें मेटल को प्लास्टिक कंडीशन में ही दबाया जाता है और डाई के मध्य उनको दबाकर वांछित आकृति प्राप्त की जाती है। डाई उस आकृति में बनी होती है जो कि हमें जिस आकृति में हमें उसको ढालना है। इस प्रक्रम में जो दबाव है वो लगातार और धीरे धीरे उस पर अप्लाई होता है, उस पर कार्य करता है। लगातार दबाव देने से जो अवांछित अत्यधिक जो वाइब्रेशन कंपन होते हैं उनको हम अवॉइड कर सकते हैं, उनसे हम छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि बाकी में ड्रॉप फॉर्जिंग वगैरह में जो डाई गिरती है एक दूसरे तो अचानक उसमें प्रेशर लगता है, उससे वाइब्रेशंस भी होते हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे प्रेस फॉर्जिंग में नहीं होती। यहाँ पे ग्रेजुअल प्रेशर लगता है और वाइब्रेशन भी इसमें अवॉइड होते हैं। और क्योंकि अगर इसमें ग्रेजुअल प्रेशर नहीं लगे अर्थात अचानक प्रेशर लगे तो वो मशीन के अलाइनमेंट को बिगाड़ सकता है। अगर हम हैमर से रैपिड ब्लो करते हैं यानी तेज़ी से हम जब उस पर चोट मारते हैं हथौड़ों से तो उससे वाइब्रेशन होके और मशीन अलाइनमेंट भी बदल सकता है। तो इस प्रेस फॉर्जिंग में हम इन सब से छुटकारा प्राप्त कर लेते हैं। धन्यवाद।